सावन मास में मंदिरों के सामने लगने वाली मांस मछली की दुकानों के विरोध में आए बजरंग दल कार्यकर्ता। एसडीएम लवकुश नगर को 100 दुकानें हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सावन के पवित्र माह में मंदिरों के बाहर लगी मांस मछली एवं अंडे की दुकान के विरोध में तहसील लवकुश नगर जाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा गया कि अगर ये दुकानें नहीं हटवाई जाती हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया कि मंदिरों के सामने लगी दुकानों से वहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतें होती और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन को नगर के बाहर इन दुकानों के संचालन की परमिशन देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता एवं जिला विद्यार्थी प्रमुख राहुल गुप्ता, जिला सह प्रचार प्रसार प्रमुख हर्ष जैन, प्रखंड सह संयोजक नितिन गुप्ता, प्रखंड बाल उपासना प्रमुख भीम यादव, नगर सह संयोजक मन्नू शर्मा, रामू यादव, अभिषेक सोनी, नीसू परिहार, संजय यादव के साथ सैकड़ों बजरंग दल के दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री राम। जैसा कि आज सभी बजरंगी भाई आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आज हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे लवकुश नगर जिले बहुत जल्द जो जिला होने वाला है तो उसमें कुछ कमियां रह गई। जैसे कि शासन ने कई बार, हम लोग इसके पहले भी पूर्व ज्ञापन दे चुके हैं, जो हमारे शहर में मंदिरों के आसपास जो मांस मछली की जो दुकानें आदि हैं उनको हटवाने के लिए हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके लिए आज हम फिर से ज्ञापन देने यहाँ पर हम सब बजरंगी भाई हिंदू भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मैं यही सभी से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी बातों को सुना जाए, अतः हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हैं।